speaking. So guys, this is Yamaha MT-15 BS6. So इस पर पहले काम हुआ था टेल टाइडी एंड इंडिकेटर यामा के बहुत बेकार से हैं, LED नहीं आते हैं और सभी बाइकों में सेम से इंडिकेटर यूज़ करते हैं, यही वाले, यही V3 में भी और यही इसमें MT में भी यूज़ होते हैं। सो जो फ्लैशर है इन पर ढंग से काम नहीं करते हैं, सो इसलिए इनको हमने चेंज किया था LEDs में ताकि फ्लैशर ढंग से काम करे। MT-15 अच्छी बाइक है डेली कम्यूट के लिए, बट मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ी छोटी लगती है मेरे को। पैर इतना इजीली नहीं पहुंचते, बट ओवरऑल छोटी लगती है देखने में। और इंजन इसमें सेम ही है, यामा R15 V3 वाला। आई होप आई एम रिकॉर्डिंग। सो ये गाड़ी आई है नॉर्थमैन मोटो में एग्जॉस्ट के लिए। एग्जॉस्ट तो इसमें पहले स्लिप ऑन लगा रहे थे, बट मेरे फ्रेंड की बाइक है तो मैंने उसे बताया कि इससे अच्छा फुल सिस्टम डलवाओ, बिल्कुल जो आपका स्टॉक एग्जॉस्ट है वो भी बिल्कुल सेफ रहेगा, और कल को अगर आपने बैक इन टू स्टॉक आना है तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो इसलिए इसका पूरा फुल सिस्टम पड़ेगा, इसमें देखेंगे डिफरेंट एग्जॉस्ट लगा के कैसे साउंड आएगी। सो एक बार इसका लुक अराउंड करते हैं कि अभी इस पर क्या मॉड्स हो रखे हैं। यह बाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है, स्पेशली छोटे हाइट के लोगों के लिए, 5'4" से 5'8" तक काफ़ी अच्छी लगती है। और मेरे को पहले लगा कि इसकी ये जो प्रोजेक्टर है इससे लाइट रात को कम रहती होगी, बट मैंने इसको रात को चलाया तो ऐसा नहीं है, लाइट अच्छी है इसकी, थ्रो काफ़ी अच्छा है। और बस ये एग्जॉस्ट हम चेंज करेंगे इसका, ये सेम एज R15 V3 है। ये इसका स्टॉक साउंड, और MT-15 का माइलेज काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू ड्यूक, बट ड्यूक में तो चलो पावर भी थोड़ी ज़्यादा ही है, बट रिफाइनमेंट में MT-15 जी जाती है। जिन बंदों को रिफाइनमेंट चाहिए दे शुड प्रेफर MT-15, और जिन लोगों को ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए, उनको ड्यूक 200। सो गाइस, ये खोल रहे हैं हम इसका एग्जॉस्ट, तो इसकी स्टार्टिंग होगी यहाँ बैंड पाइप से। ये BS6 मॉडल है तो इसमें ऑक्सीजन सेंसर भी है, इसको भी साथ में निकालना और लगाना पड़ेगा। ये रहा ऑक्सीजन सेंसर आपका, और जो नई बैंड पाइप है वो ये रही स्टेनलेस स्टील, इसमें जंग नहीं लगेगा। सो गाइस, ये लग रही है अपनी बैंड पाइप, इसमें देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर भी है, और ये O2 सेंसर है यहाँ पे, और ये दो पार्ट में डिवाइड है, यहाँ से कनेक्शन होगा इसमें, और इस कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए ये स्प्रिंग रहा। सो भवानी भाई लगा रहे हैं। सो गाइस, ये रहा इसका पुराने वाला एग्जॉस्ट, इसका वेट इजीली कितना होगा, 7-8 किलो तो हो गई, 7-8 किलो, 5 से 7 के बीच में तो है ही है, ज़्यादा भी हो सकता है। सो गाइस, ये सिक्योर हो गया अपना स्प्रिंग से, और देखिए गाइस इस पर वेल्डिंग देखो कितनी सुंदर हुई होती है, टिक वेल्डिंग, वाओ। बस अभी इस पे सेंसर लगाएंगे, सुंदर। ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर वाली बैंड पाइप है ये थोड़ी महंगी रहेगी जो नॉर्मल BS4 या BS3 गाड़ियों के मुकाबले में। तो भाई ये रहे हमारे पास दो एग्जॉस्ट, एक ये ऐसी प्रोजेक्ट, इसमें DB किलर नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट लगेगा, और ये इसकी माउंटिंग, और ये है इनमें सबसे महंगा और ज़्यादा साउंड वाला, इतना बोर है इसका बनवे, बिना इसके करो, बिना एग्जॉस्ट के करो, लस्ट आप
बीच वाला साउंड चेक करते हैं इसकी। ये साउंड इसकी डीबी किलर के साथ है, डीबी किलर इसका रिमूव भी हो जाता है। सो अभी देखते हैं दूसरे वाले की। चले ये डाल दिया हमने फुल सिस्टम एससी प्रोजेक्ट MT-15 में। सो ये है इसकी साउंड। साउंड है ये ओनली फुल सिस्टम से ही पॉसिबल हो पाई है। अगर आगे वाली बैंड पाइप ना होती तो इतनी अच्छी साउंड नहीं है। ये है इसके लुक्स, देखिए कितना नीट एंड क्लीन लुक्स आ रहे हैं। ये लग गए स्प्रिंग, ये आगे वाला स्प्रिंग, और ये एग्जॉस्ट तीन पार्ट में डिवाइडेड है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा। हाँ, ये रही होल बाइक फ्लैशर। इतनी अच्छी आती है कि बिना मतलब के ही डाउनशिफ्ट करने का मतलब।